नमस्कार दोस्तों, साची रिसर्च चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मोटा होने के लिए गुड हेल्थ सबसे असरदार तरीका है और इसका सेवन ज्यादातर से युवा वर्ग के लोग कर रहे हैं जो मोटे होने के लिए। लेकिन दोस्तों, इसका सेवन करने के बाद अगर इसको छोड़ देते हैं उसके बाद आप जैसे थे वैसे ही हो जाते हैं। तो ऐसे में दोस्तों आप सोचते होंगे कि ऐसा क्या चीज खाएं जो कि खाने के बाद, मोटे होने के बाद हमारा शरीर जैसे तैसे ही रह जाए। तो दोस्तों, हम आपको बताते हैं कि गुड हेल्थ खाने से क्या होता है और खाने के बाद इसे छोड़ने का सबसे सही तरीका क्या होता है जिसके वजह से आपका वजन तेजी से नहीं घटेगा। तो आइए दोस्तों जानते हैं। दोस्तों, गुड हेल्थ मोटा होने के लिए सबसे असरदार तरीका है और ये दोस्तों काफी हमारे भूख को काफी तेज कर देता है, यानी हमें भूख बढ़ा देता है और इसके साथ साथ दोस्तों ये हमारे मसल्स को भी फुलाने लगता है। और दोस्तों, वैसे तो गुड हेल्थ एनीमिया रोगों की शिकायत के लिए, जिनके शरीर में खून की कमी होती है, वैसे में इसका सेवन किया जाता है। लेकिन दोस्तों, ये मोटा होने के लिए काफी फायदेमंद और काफी असरदार और बिना साइड इफेक्ट वाली दवा है। लेकिन इसका साइड इफेक्ट यही है कि इसको खाने के बाद आप छोड़ते हैं तो आपका शरीर पहले के जैसे हो जाता है। तो दोस्तों, हम बताते हैं कि गुड हेल्थ, आप एक गुड हेल्थ की डिब्बी जब लेते हैं तो उसमें 50 गोली होती है। जैसे में अगर आप सुबह शाम दो टाइम महीने भर खाते हैं, उसके बाद दोस्तों गुड हेल्थ को दिन में एक टाइम खाने लगते हैं, यानी एक महीने तक आप दो टाइम खाते हैं उसके बाद एक टाइम खाते हैं और यह प्रक्रिया 3 महीने तक चलती है, उसका कोर्स होता है। जब 3 महीने हो जाती है उसके बाद आप क्या करते हैं कि गुड हेल्थ छोड़ देते हैं। उसके बाद दोस्तों महीने दो महीने के भीतर आपका शरीर काफी दुबला पतला हो जाता है, आप पहले के जैसे हो जाते हैं और फिर आप सोचने लगते हैं कि अब क्या खाऊं, क्योंकि दोस्तों आपको मोटा होने के बाद आपको अपनी पर्सनैलिटी अच्छी दिखने लगती है, जिसके वजह से फिर से आप मोटा होना चाहते हैं और तरह तरह की मेडिसिन के चक्कर में पड़ जाते हैं। लेकिन दोस्तों, आप 3 महीना गुड हेल्थ खाने के बाद से आप एक डिब्बी और गुड हेल्थ की ले लें और उसके बाद दोस्तों उसे 2 दिन में एक गोली खाएं। जहां आप दोस्तों 1 महीने तक दो टाइम खाते थे, फिर उसके बाद एक टाइम खाने लगे 3 महीने तक, उसके बाद दोस्तों जहां आप प्रतिदिन मतलब दिन में एक टाइम खाते थे, वहीं आपको 2 दिन में एक गोली खानी है। फिर दोस्तों यह प्रक्रिया आप कुछ दिनों बाद 5 दिनों में एक गोली खाएं, फिर धीरे 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 आप 10 दिनों में यही काम करें, मतलब एक गोली खाएं, फिर आप 15 दिनों में एक गोली खाएं, फिर महीने में आप 2 या 3 बार खाएं, फिर धीरे धीरे ऐसे ही करके अगर आप गुड हेल्थ छोड़ते हैं तो ऐसे में दोस्तों आपका वजन बराबर वैसे ही बना रहेगा और आपका शरीर पहले के जैसे दुबला पतला नहीं होगा। तो दोस्तों, अगर हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को शेयर जरूर करें, क्योंकि दोस्तों ज्यादातर से युवा वर्ग के लोग हमारे वीडियो पे बहुत सारे कमेंट भी आते हैं कि सर, हमने गुड हेल्थ का सेवन किया, हम मोटे भी हो गए लेकिन हमारा वजन काफी तेजी से कम हो गया, इसके लिए कुछ उपाय बताइए। तो दोस्तों, इसका यही उपाय है कि आप उसे धीरे धीरे छोड़ें, ये ना कि आप 3 महीने के बाद इसे छोड़ दें। अगर आप ऐसे करके छोड़ते हैं तो धीरे धीरे आपका शरीर पहले के जैसे ही रहेगा। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ी बात, एक बात का ध्यान जरूर रखें, जब आप गुड हेल्थ खा रहे होंगे और खा के जब छोड़ने की सोच रहे हैं, उस टाइम आप जिम या एक्सरसाइज करने की जरूर सोचें, क्योंकि दोस्तों गुड हेल्थ हमारी मसल्स को ढीला कर देता है, यानी हमारे मसल्स को थोथला कर देता है, शरीर को थोथला कर देता है। ऐसे में जैसे अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी मसल्स काफी टाइट हो जाएंगी। जब दोस्तों आपकी मसल्स टाइट हो जाएंगी, हड्डियों को पकड़ लेंगी, तो ऐसे में दोस्तों क्या होता है कि आप गुड हेल्थ को नियम के अनुसार छोड़ते हैं तो आपका शरीर वैसे ही रहेगा, आपका मसल्स टाइट रहेगा। तो दोस्तों, अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि दोस्तों हम इसी प्रकार के हेल्थ से संबंधित सारी जानकारियां देते हैं।